गुरु जी कहते हैं कि इस संक्रांत में आपको धन का लाभ होता रहेगा। बीते हुए समय में आपके द्वारा किए गए प्रयास इस समय में फल देना आरंभ कर देंगे और कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ हो जाएगा। कुछ ऐसा पैसा जिसके आने की उम्मीद कम थी, वहां से आपका धन वापस आ सकता है। काम पूरा हो जाने पर भी जहां से बहुत दिनों से पेमेंट आनी थी और जो पार्टी ये कह रही थी कि आज देंगे कल देंगे, इस माह वहां से धन का लाभ हो जाएगा। पार्टनर्स और सहयोगियों के प्रयासों द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा समझदारी और वाक्पटुता से किए गए प्रयास सफल होंगे और कई जगहों से आपको फायदा हो जाएगा। स्थान परिवर्तन एक ऐसी घटना है जिससे आप नई चुनौतियों का सामना करते हैं और इस बीच आपको पता ही नहीं चलता कि आप जाने अनजाने कई प्रकार की परिस्थितियों को आसानी से सुलझा पाने में सक्षम होते जा रहे हैं। इस माह आपका ज्यादातर समय अपने कार्यस्थल से जुड़े क्रियाकलापों को समझने और उनको आगे बढ़ाने में व्यय होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अपने कार्यस्थल में आप जिस बदलाव के बारे में सोच रहे थे, वह बदलाव आप इस माह कर दो। कार्यस्थल में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए यह सही समय है। चाहे यह बदलाव एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में हो या फिर एक शहर से दूसरे शहर में हो, सितारों की चाल ये कहती है कि कुछ बदलाव इस समय होना तय है। आपकी कार्यकुशलता इस माह अच्छी रहेगी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए साथियों, दोस्तों और भाइयों की जरूरत पड़ती है। साथ मिलकर एक लक्ष्य के लिए किए गए प्रयास सफल होते हैं, क्योंकि कई दिमाग और शरीर मिलकर जब एक विषय के लिए काम करते हैं तो सफलता की राह आसान हो जाती है और आपका व्यवसाय एवं परिवार फलने फूलने लगता है। इस माह आपके साथ काम करने वाले लोगों को और भाई बहनों को कुछ संताप हो सकते हैं। यदि वे किसी प्रकार की मदद मांगते हैं तो उनकी बात ध्यान से सुनें और उनकी मुसीबत का उपाय ढूंढने का प्रयास करें। जरूरत के समय की गई मदद अमृत की बूंद के समान होती है। इसमें मदद लेने वाले को तो सुकून मिलता ही है, लेकिन मदद करने वाले को अपने भीतर खुशी और संपूर्णता महसूस होती है। इस महीने आप भूमि से संबंधित क्रय विक्रय कर सकते हैं। एक ऐसी संपत्ति जो एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है या जो ऐसे मौके पर है जो बहस का विषय है, ऐसी संपत्ति के लेन देन में धैर्य से काम लें और किसी प्रकार का विवाद होने पर अपने पेपर और गवाह तैयार रखें। प्रॉपर्टी का टाइटल, डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि की भली प्रकार जांच हो जाने पर ही डील को आगे बढ़ाएं। इस महीने आपको अपने जीवन साथी से लाभ एवं सुख की प्राप्ति होगी। घर में और व्यवसाय क्षेत्र में कार्यरत स्त्रियों से भी विशेष सहायता मिलेगी। प्रेमी युगल असमंजस की स्थिति में रहेंगे। आपकी संतान कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकती है। कुवारों के विवाह के लिए यह समय उपयुक्त है। अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यह सही समय है। उपाय: अपने गुरु समान व्यक्ति को आदर सहित कपड़े, घी एवं दक्षिणा भेंट देना और श्री लक्ष्मी विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना इस महीने आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।